You. California dreaming about you. हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं रतन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सीरीज नंबर 2 में आज पहुंच गए हैं। आज भी 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिकल के साथ आज क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और आप भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे कि दूसरे लोग जान सके, वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दोस्तों चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल मेरे वीडियो देख लीजिए, आपको वीडियो मेरे पसंद आता समझ आता तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। जितना बता रहा हूँ इससे और कोशिश अच्छा करूँगा बताने का। ओके चलिए हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, सर 386 IC में 9 वोल्ट कितना एम्पियर लगेगा? 3 एम्पियर लगा सकते हैं क्या? चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि हम लोग उस दिन 368 का एक हम लोग ऑडियो बनाए थे, उसमें 3 एम्पियर लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं लगा सकते क्योंकि ये देख सकते हैं आईसी कैसा है। आईसी के ऊपर एम्पियर लगा जाता है, 6280 में 1 से 2 एम्पियर मुश्किल से। और इसमें आप 500 मिली एम्पियर वैसे उतना ही यूज़ करते हैं, 1 एम्पियर करेंगे तो भी खराब होने का चांस रहेगा। लेकिन आप जितना करें 500 मिली एम्पियर और या बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, इसका बैटरी से ये चलेगा और उससे ज़्यादा मत लिए। ये इसका क्वेश्चन यही था कि नहीं चलेगा उससे, आप बैटरी से चलाइए, बैटरी से चलने वाला आईसी है, इसीलिए आप 500 मिली एम्पियर ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं। ओके चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेरे USB ब्लूटूथ ऑक्स FM प्लेयर में हमिंग और डीप साउंड आता है, उसे कैसे कम करूं? चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी इसमें ये जो ब्लूटूथ रहता है इसमें ना वोल्टेज कम आने कारण, या कैपेसिटर जो सामने में लगा रहता है, कैपेसिटर आपका बड़ा वाला ये 6280 किसी में भी ज्वाइन करेंगे तो इसका ही सप्लाई को आप 7805 यहाँ पास लगाएंगे। 7805 लगाने के बाद यहाँ पास आप लगाएंगे तो उसके क्या होता है, कभी कभी ये कैपेसिटर खराब रहता है, बीप का आवाज, ये बीप के ससराने का आवाज़, सब अलग अलग आवाज़ आता ही है। तो क्या करेंगे, पर कैपेसिटर जो है उसको छोटा और बड़ा लगा लीजिए और 7805 लगाए हैं उसके बाद भी एक कैपेसिटर लगा लीजिए तो वो बीप हट जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा इसको बताने के लिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, 12 वोल्ट का बैटरी है, उसको मोबाइल चार्जर कैसे बनाए 5 वोल्ट का? चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों क्या 12 वोल्ट का आपका बैटरी है या चार्जर है, उससे हम लोग मोबाइल 5 वोल्ट ही लेता है, तो उसके लिए हम लोग 7805 आता है आईसी। अब 7805, 7809, 7812, 7833, तो अब 7805 ले लेंगे तो उसमें से क्या कि 5 वोल्ट ही निकलता है। आप इधर से कितने वोल्ट भी देंगे 30 वोल्ट तक ये सहता है, 30 वोल्ट देंगे तो 7805 5 ही वोल्ट निकालेगा। ये बैटरी से आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं, इसको गाड़ी में भी लगा सकते हैं, जो गाड़ी का बैटरी रहता है वहाँ पर आप लगा दीजिए इसको, 12 वोल्ट दे दीजिए, वहाँ से 5 वोल्ट निकल जाएगा। इसका कनेक्शन नहीं आता वो चैनल में वीडियो बनाए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके पर और कमेंट आएंगे तो मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, सर 6283 IC ऑडियो एम्पलीफायर को PA 12 वोल्ट सप्लाई से चला सकते हैं कि नहीं? चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये 6283 है, ये 6283 किट में बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग जो PF के हम लोग जो बनाते हैं दोस्तों, देखिए जो PF का रहता है इससे 12 वोल्ट इससे बनाते हैं हम लोग, तो क्या रहता है इससे 12 वोल्ट जो है ना एम्पियर नहीं रहता, वोल्ट रहता है। एम्पियर और वोल्ट में बहुत अंतर होता है, उसका एक दिन लंबा से एक वीडियो है, उसका कम से कम 10-15-20 मिनट चल जाएगा वीडियो एम्पियर और वोल्ट में। इसके लिए मैं थोड़ा देर से बनाने वाला हूँ, जरूर बनाऊंगा जरूर। क्या होता है इसमें एम्पियर कम होता है, इसमें 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर उससे ज़्यादा नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर में क्या आता है ये रहता है 1 एम्पियर 500 मिली एम्पियर, तो ये 500 मिली एम्पियर का भी इससे छोटा आता है 1 एम्पियर का है, तो 500 मिली एम्पियर तो ये 50 से 100 मिली एम्पियर, तो आप सोच सकते हैं इसको चलाएंगे एक बार देख सकते हैं, चलेगा जरूर, लेकिन जो आवाज़ नहीं कट कट के आएगा या सरसराने का आवाज़ वो सब आएगा क्योंकि इसमें एम्पियर कम है, तो एक बार चला के देख सकते हैं, चलेगा भी उतना खास नहीं चलेगा लेकिन इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। लास्ट एंड पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसमें डबल आईसी के बारे में और एक क्वेश्चन और किया गया है उसको कि सिंगल आईसी का है सर, उसको डबल चैनल का बना सकते हैं कि नहीं? चलिए दोनों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये भी 6283 ऊपर ही है,
इसमें क्या, देखिए इसमें दो चैनल आता है, मैं बहुत सारे वीडियो में बता देगा, लेकिन सिंगल चैनल ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, ये सिंगल चैनल है। सिंगल चैनल और डबल चैनल कैसे पहचानते हैं, आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि सिंगल चैनल में एक कैपेसिटर लगता है, डबल चैनल में दो लगता है। तो हमारे भाई कमेंट किए थे कि जो सिंगल चैनल का है उसको डबल चैनल कैसे बनाया जाए, उसको आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। जितना का आप जैसे इसको सोचेंगे, बना तो लेंगे क्योंकि प्रिंट पीछे दिया रहता है, जो प्रिंट रहता है ना यहाँ, जैसे ये डबल चैनल का डबल कैपेसिटर लगा, ये सिंगल चैनल का सिंगल में ये प्रिंट पीछे दिया रहता है। आप चाहे तो इसको सेम टू सेम पार्ट्स लगते हैं, जहाँ ये लगा है, जहाँ 220 जैसे जो सेम लगा सेम और लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए 104 का एक लगा तो यहाँ एक और लगा है, जैसे इसमें एक लगा है, सेम आप बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये 50 से 60 रुपये का एक किट आती है मार्केट में, तो आप सामान लगाएंगे तो वो भी 20-30 रुपये का मिल जाएगा। तो आप सोचेंगे अरे बनाऊँ क्यों यार, नया ले लेता हूँ, उसमें झंझट नहीं रहेगा, काम भी नहीं रहेगा। इसीलिए बना भी सकते हैं, ऐसे नहीं बने वो बात नहीं, क्योंकि इसमें प्रिंट रहता है। अब यहाँ लगा के सामान को दूसरा चैनल यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो मार्केट से ले लीजिए डबल चैनल सिंगल चैनल। जब भी किट लेंगे तो देख लेना कि डबल चैनल है कि सिंगल चैनल है। ओके, तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। आज का क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज नंबर 3 में चलते हैं। और वीडियो में जो भी आप लोग कुछ लगता है दोस्तों कि अच्छा है कि क्या है, तो कमेंट लाइन कीजिए कि, और ये बनाता तो अच्छा लगता है तो आप बोला कीजिए कि हाँ ऐसा ठीक है। आप भी क्वेश्चन दिए, वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।